बच्चा रुद्रांश पांडे क्लास सिक्स में मोदी में पढ़ता था। 15 तारीख को लगभग 10-11 बजे मेरे मोबाइल में फ़ोन आया कि आप रुद्रांश के पापा हैं। अंकल जी कौन? कहीं रुद्रांश के स्कूल से बोल रहा हूँ, मैडम बोल रही। अंकल जी मैडम बताएं, कहीं उनकी कंप्लेन है, शिकायत है, आप कल सुबह 8 बजे ये बस से नहीं आएंगे, आप इनको अपने साधन से लेकर के आइएगा। हम कहा ठीक मैडम, क्या कंप्लेन है? बोले आप कल आइए फिर बात करते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने घर में वाइफ को फ़ोन किया कि आज छुट्टी होगी, बच्चा जब आएगा जरा पूछना क्या बात है। तो जब वो घर लौटा, मेरी वाइफ ने उससे पूछा बेटा क्या बात है, तो वो रोने लगा और बताया कि मुझे ममता सिंह मैडम है, उन्होंने बहुत मारा है, 16-17 थप्पड़ मारे हैं, सभी बच्चों से अलग कर दिया, कोई बच्चा इससे बात नहीं करेगा, सारे बच्चों से अलग बैठा दिया, बस में भी मुझसे किसी ने बात नहीं किया। बता रहा था कि सेकंड पीरियड से लेकर के पूरी छुट्टी 1:30 बजे तक मुझसे किसी बच्चे ने बात नहीं किया। उसके बाद आया, कपड़े चेंज किए, खाना भी नहीं खाया, मम्मी ने किसी तरीके से केला खिलाया, ट्यूशन बहाना बना करके चला गया। बस केवल मंदिर में दर्शन करने गया था बाजार में, और दर्शन करके फिर जो चला गया और रेलवे ट्रैक पे आकर के खत्म हो गया। तारीख को आया, पूरा शरीर उसका लाल था। मैंने पूछा बेटा क्या है तुम, आज काहे परेशान हो, कुछ हुआ स्कूल में क्या? रोने लगा, बता रहा था आज हमको ममता मैडम ने बहुत मारा है, 16-17 थप्पड़ मारा है। हमको रो रहा था, सर अपना पकड़ के बैठा था, तो हमने कहा क्या हुआ सर में, क्या हो गया? बोले सर में लग गई चोट, सर में लड़ा दिया। मैं मुझे मारते हुए नीचे ले जा रही थी, और बच्चों ने जहाँ भी था ले रहते हैं, मैम ने उसे बहुत मारा है, इस स्टेज पे चढ़ा दिया है, फिर मार रही थी। तो कौन मैडम थी? ममता सिंह मैम।